हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू कोडर्स कुकबुक। तो दोस्तों, इससे पहले आम का सीजन जाए, हमने सोचा हम एक और मैंगो रेसिपी बना लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना की रेसिपी। आम पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स ऑफ रॉ मैंगो, 100 ग्राम। अब हम रॉ मैंगो को रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने कच्ची अंबी को अच्छे से काट लिया है और इसकी सिर्फ गुठली बची है। सारा पल्प हम उतार के काट चुके हैं। अब मैं इस कटी हुई अंबी को एक पैन में ट्रांसफर कर लूंगी। अब हम इसमें 500 ml पानी डालेंगे। देखिए, हमारी अंबियां अब पानी से पूरी कवर हो चुकी हैं। इसको अब हम ढककर पकाएंगे और फ्लेम आप मीडियम लो रखिएगा। आपने बचपन में वो कहावत तो सुनी ही होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। हम इस कहावत को भी सच करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। उसके लिए वीडियो एंड तक देखें। और ये देखिए, हमारे मैंगोज बॉईल हो रहे हैं। जब तक ये बॉईल होते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, हमारे मैंगोज अब बॉईल हो चुके हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं और इस टाइम पर मैं गैस बंद कर दूंगी। अब इन्हें मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। हमारे मैंगोज ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे एक मिक्सी में निकाल लेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मैंगो ऐसे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। एक बार सॉफ्ट हो जाए फिर ही मिक्सी में चलाइएगा। और देखिए, हमारी मैंगो प्यूरी तैयार है। आप इसमें स्वाद अनुसार शुगर डाल लें। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पाउडर शुगर डाली है। इसमें अब हम 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ। इसको भी आप अपने स्वाद के अनुसार बदल सकते हैं। का मैंगो कॉन्सेंट्रेट रेडी हो चुका है। अब हम एक ग्लास लेंगे। ग्लास को 1/4 आप मैंगो कॉन्सेंट्रेट से भर लीजिए। बाकी बचे हुए ग्लास में कोल्ड वाटर ऐड कीजिए। आप चाहें तो आइस भी डाल सकते हैं। और आपका आम पन्ना ड्रिंक तैयार है दोस्तों। बट जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने उन बचे हुए मैंगो सीड्स का क्या किया। ये देखिए दोस्तों, हमने घर पे लगाया है आम का पेड़। हुए ना आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। पहले आप मैंगो सीड्स को ड्राई होने के लिए सन में छोड़ दें। फिर उसके बाद उसको सॉइल में दबाकर डेली पानी दें। 1 हफ्ते के अंदर आपका मैंगो सैपलिंग निकलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।